बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय को कभी नहीं माना अपनी बहू। परिवार में आपसी कलह की खबरों के चलते जया बच्चन ने किया हैरान कर देने वाला खुलासा। सच्चाई जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि अमिताभ बच्चन जैसा शरीफ सा दिखने वाला इंसान आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और राज्यसभा की सांसद जया बच्चन ने खुलासा किया है कि उनके बेटे अभिषेक की पत्नी होने के बावजूद भी अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या राय को अपनी बहू क्यों नहीं माना। दरअसल अमिताभ बच्चन और उनका परिवार पिछले कुछ समय से अपनी बहू ऐश्वर्या राय के साथ कोल्ड वार को लेकर सुर्खियों में है। रूमर्स फैले हुए हैं कि पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ जलसा के अंदर अलग रह रही है। इन दोनों की बच्चन फैमिली से कोई बात नहीं है। इन सब के बीच जया बच्चन की एक पुरानी स्टेटमेंट भी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पति अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या राय को कभी अपनी बहू नहीं माना। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन 2007 में शादी के बंधन में बंधे और कुछ साल बाद उन्होंने अपनी बेटी आराध्या का वेलकम किया था। कुछ टाइम पहले तक उनके लिए उनका घर स्वर्ग से भी सुंदर था। फिर अफवाहें उड़ी कि अभिषेक और ऐश्वर्या अपनी शादी में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इन सब के बीच जया बच्चन ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने कभी भी ऐश्वर्या को अपनी बहू की तरह ट्रीट नहीं किया है। दरअसल जया बच्चन एक बार करण जौहर के कॉन्ट्रोवर्शियल चैट शो कॉफी विद करण में पहुंची थी। इस दौरान जया बच्चन ने खुलासा किया था कि जब श्वेता बच्चन ने शादी कर ली और घर छोड़ दिया तो अमिताभ बच्चन को अपनी लाइफ में एक खालीपन महसूस हुआ। उन्हें एक बेटी की चाहत थी जो तब पूरी हुई जब ऐश्वर्या उनके घर आई। अमिताभ हमेशा ऐश्वर्या को बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानते थे। वहीं कुछ दिन पहले अभिषेक ने सोशल मीडिया पर एक तलाक की पोस्ट को लाइक कर कई लोगों की भौहें चढ़ा दी थी। अभिषेक द्वारा लाइक की गई तलाक की पोस्ट ग्रे तलाक और एक कपल की लाइफ पर इसके प्रभाव के बारे में था। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या ऐश्वर्या और अभिषेक भी ग्रे तलाक लेंगे। बता दें कि ग्रे डिवोर्स उस तलाक को कहा जाता है जब कोई जोड़ा सालों साथ बिताने के बाद अलग हो जाता है। ये तलाक तब होते हैं जब कपल 50 साल के हो जाते हैं। इसके अलावा जो जोड़ा एक साथ लंबा समय बिताने के बाद अलग हो जाता है उसे सिल्वर स्प्लिटर्स का लेबल दिया जाता है। हालांकि ग्रे तलाक तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लोग इसके इम्प्लीकेशन को समझने में फेल हैं।